friends, welcome to my channel. I am Om. Today I will share a story. बालवीर तुषार उन हजारों बालवीरों में से एक है जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन बच्चों को दिया जाता है जिन्होंने दूसरे के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाले हो। ऐसे सभी बच्चों को प्रधानमंत्री पुरस्कार देते हैं। दूसरों के प्राण बचाते समय अपने प्राण गवा देने वाले बालवीरों को भी मरणोपरांत पुरस्कृत किया जाता है। तुषार छत्तीसगढ़ के बेरा जिले के छोटे से गांव हरदी में रहता है। उसके पिता खेती बाड़ी करते हैं। पढ़ाई के बाद बचे हुए समय में भी वह खेती बाड़ी में उनका हाथ बटाता है। 20 सितंबर 2015 की रात 9 बजे तुषार खाना खाने बैठा, तभी पड़ोसी के घर में बनी पशुशाला में आग लग गई। उस घर में वृद्ध भूलूराम वर्मा और उनकी पत्नी रहते थे। वे घर से बाहर आकर मदद के लिए चिल्लाने लगे। उन्होंने बताया कि उनकी पशुशाला में 3 गाय और 2 बैल बंधे हुए हैं। बहुत भारी मात्रा में सूखा चारा भी रखा हुआ है। आग तेजी से फैलती जा रही थी। देखते ही देखते कई पड़ोसी इकट्ठे हो गए। सभी सब बाल्टियों से पानी डाल डालकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग तीखी थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। तुषार खाना छोड़कर वहां पहुंच गया। अपने प्राणों की चिंता न करते हुए वह पशुशाला की छत पर चढ़ गया। लोगों से पानी भरी बाल्टियां ले लेकर पशुशाला में डालने लगा। 3 घंटे तक लगातार पानी का बौछार करके उसने आग बुझाई और सभी पशुओं को जीवित बचा लिया। पशुओं की जान बचाते हुए तुषार कई जगह से जल गया। वहां एकत्रित लोग उसे मरहम पट्टी के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। तुषार की इस निस्वार्थ बहादुरी को हर किसी ने सराहा। 23 जनवरी 2017 को नई दिल्ली में तुषार को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया गया। उसे गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने और अन्य बालवीरों के साथ राष्ट्रपति महोदय का सलामी देने का अवसर भी मिला। मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो कहानी सुनाई है वो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।